ओप्पो ने लॉन्च कर दिया अपना ओप्पो रेनो 11 सीरीज, जिसमें ओप्पो रेनो 11 और ओप्पो रेनो 11 प्रो ये दो फोन हैं। ये सीरीज चाइना में लॉन्च हुआ है, बहुत ही जल्द एक ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ओप्पो रेनो 11 प्रो डिवाइस CPH2607 मॉडल नंबर के साथ TDRA लिस्टिंग में सामने आया है, जिससे इसका ग्लोबल लॉन्च का संभावना और भी बढ़ गया है। हालांकि लिस्टिंग में इसका कोई स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आया है, पर मैं आपको चाइना का स्पेसिफिकेशन और प्राइस बता सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में ओप्पो रेनो 11 और ओप्पो रेनो 11 प्रो की सारी स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। हाय, मैं रोशन, स्वागत है आपका 4K अटेक में। सबसे पहले ओप्पो रेनो 11 के स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें 4 नैनोमीटर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर दिया है। ये 3 वेरियंट में लॉन्च हुआ है। बेस वेरियंट 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज और टॉप वेरिएंट 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज। रैम टाइप LPDDR5X, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है। ये एंड्रॉइड 14 पे लॉन्च हुआ है, कलर्स 14 पे काम करता है। इसमें 6.7 इंच का फुल HD+ कर्व OLED डिस्प्ले दिया है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टॉच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। रेजोल्यूशन 1080x2412 पिक्सल्स, एक्सपेक्ट रेशियो 20:9, पिक्सल डेंसिटी 394 PPI, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% और HDR10+ सपोर्ट करता है। इसका हाइट 162.4 mm विद 74.1 mm, थिकनेस 7.5 mm और वेट 184 grams का है। बात करूं कैमरा की, तो ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुआ है। 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT600 प्राइमरी सेंसर लगा है, जिससे लाइट कम हो या फिर ज्यादा, दोनों ही कंडीशन में अच्छा स्पष्ट और डिटेल फोटो क्लिक करके देगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया है। इसमें OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। कैमरा फीचर्स में डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टॉच टू फोकस मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। स्लो मोशन में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस कैमरा से 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX709 सेंसर दिया है। इसके फ्रंट कैमरा से भी 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें 4800mAh की बैटरी दिया है, जो कि 67W का सुपर बुक चार्जर सपोर्ट करता है। इसमें वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, USB टाइप सी है, FM रेडियो नहीं दिया है, माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया है और फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन है। तो ये सब ओप्पो रेनो 11 में देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस जानने से पहले हम ओप्पो रेनो 11 प्रो को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ नया देखने को मिला है। तो ओप्पो रेनो 11 प्रो की स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो इसमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया है, जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज और 12GB+512GB इंटरनल स्टोरेज में। डिस्प्ले की बात करूं, तो ओप्पो रेनो 11 और ओप्पो रेनो 11 प्रो दोनों का सेम है। ये भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, और इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें 4700mAh की बैटरी दिया है, जो कि 80W का चार्जर सपोर्ट करता है। बाकी सब सेम है ओप्पो रेनो 11 और ओप्पो रेनो 11 प्रो में। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो ओप्पो रेनो 11 का बेस वेरिएंट 8GB+256GB स्टोरेज का प्राइस 2499 CNY है। इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 30,000 का होता है। इसका 12GB+256GB वेरिएंट का प्राइस 2799 CNY है, ये करीब 32,900 का होता है। और इसका जो सबसे टॉप वेरिएंट है 12GB+512GB, इसका प्राइस 2999 CNY है, यानी कि करीब 35,000 का होता है। और ओप्पो रेनो 11 प्रो का प्राइस शुरू होता है अराउंड 40,000 से। तो ये सब ओप्पो रेनो 11 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने जितने भी ये स्पेसिफिकेशन और प्राइस बताए वो सब चाइना का है, पर जब ये इंडिया में भी आएगा तो लगभग सब सेम ही हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।